नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमंच खबर और हिंद मोर्चा का ज्वाइंट एडवेंचर, जिसमें हम अलग अलग विषयों पर बात करते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं में सबसे ज़्यादा ज़रूरत अगर किसी चीज़ की होती है तो वो होती है ब्लड की, और ब्लड डोनेशन को लेकर और ब्लड को दान करने के लिए को लेकर ढेर सारी समस्याएं हैं लोगों के बीच, एक भ्रांतियां हैं। तो आज हम KMC डिजिटल हॉस्पिटल में एक ब्लड डोनेशन कैंप के माध्यम से आए हुए थे, और यहाँ पर हमारे साथ ब्लड बैंक के इंचार्ज हैं, और इनसे ही इनका स्वागत करते हैं और इनसे जानते हैं कि ब्लड डोनेट करने के पीछे जो ढेर सारे मिथ हैं, ढेर सारी भ्रांतियाँ हैं, वह कैसे दूर की जा सकती हैं, उससे लोग कैसे अवेयर हो सकते हैं, और अपने दैनिक दिनचर्या में ब्लड डोनेशन कितना ज़रूरी है। सबसे पहले सर अपना परिचय दीजिए और बताइए कि ये जो मिथ है, एक जो समस्याएं हैं लोगों के बीच कि ब्लड डोनेट करने से कमजोरी हो जाती है, बीमारियां पकड़ लेती हैं और ढेर सारी समस्याएं, उनको उनसे लोगों को कैसे अवेयर किया जा सकता है। नमस्कार, मैं डॉक्टर सौरभनाथ त्रिपाठी हूँ, MD पैथोलॉजी हूँ एम्स भोपाल से। यहाँ ब्लड बैंक KMC डिजिटल हॉस्पिटल महाराजगंज में ब्लड बैंक में इंचार्ज हूँ। जो मैं यहाँ पे दिक्कत महसूस करता हूँ आम जनमानस में, कि ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी आ जाती है लोगों के अंदर, है कि हम ब्लड डोनेट करेंगे तो फिर हम खड़े नहीं हो पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड जो है आपका 120 दिन में, जो RBC होती है, 120 दिन में रीजनरेट कर जाती हैं, और ब्लड से जितना भी फ्लूड लॉस होता है वो आपको जो पानी पीने से वापस से आधे से एक घंटे में अंदर वो सारा बॉडी में सही हो जाएगा। और एक ब्लड जो आप देते हैं उसका हम लोग यहाँ पे कंपोनेंट बनाते हैं, जैसे कि ब्लड के अंदर RBC होता है उसको अलग कर लेते हैं, प्लाज्मा को अलग कर लेते हैं, प्लेटलेट को अलग कर लेते हैं, एक फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा बनाते हैं। तो एक ब्लड से हम चार जिंदगी बचाते हैं। रात के समय कभी भी इमरजेंसी होती है तो कई बार होता है कि किसी भी मरीज के साथ डोनर नहीं है, उस समय पर जब आप रक्तदान पहले से किए होते हैं तो क्या होता है कि हम उस समय इमरजेंसी कंडीशन में मरीज की जान बचा सकते हैं उस कंपोनेंट से। ब्लड देने से कोई भी कमजोरी नहीं होती है, इनफैक्ट अगर आप ब्लड देते हैं तो ब्लड देने से जो आपका लिपिड प्रोफाइल है वो सही रहता है। लिपिड प्रोफाइल हार्ट अटैक के रिस्क को कम करता है। तो अगर आप फ्रिक्वेंट हर 3 महीने पर ब्लड देते हैं तो रिसर्च में पाया गया है कि हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। तो हार्ट अटैक से आपको नुकसान नहीं है, अपितु ब्लड डोनेट करने से आपको फ़ायदा है, आपको हार्ट अटैक का रिस्क कम हो रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एक साधारण इंसान, एक मिनिमम मानक क्या है कि एक कैसा व्यक्ति नियमित रूप से रक्तदान कर सकता है? अगर हम बात करें तो 18 साल से ऊपर और 60 किलो से ज़्यादा व्यक्ति अगर है, उसका हीमोग्लोबिन का लेवल हम चेक करते हैं। अगर हीमोग्लोबिन का लेवल 12 से ज़्यादा आता है तो हम उसका ब्लड डोनेट कराते हैं। हम ब्लड डोनेट करने के पहले जो भी डोनर होता है उसका प्रॉपर स्क्रीनिंग करते हैं कि उसको कोई भी ऐसी बीमारी ना हो, जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, ताकि वो जो ब्लड है वो ब्लड एकदम शुद्ध हो और उस ब्लड को किसी मरीज को चढ़ाने से उसको कोई भी बीमारी ना हो। तो एक तो आपकी ये जांचें हो जाती हैं जब भी आप ब्लड डोनेट करते हैं कि हाँ, आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, आपका हीमोग्लोबिन सही है, आपको HIV, HBS, AG, HCV या सिफिलिस, मलेरिया ऐसी कोई बीमारी नहीं है। तो एक तो फ़ायदा ये भी है, दूसरा ये है कि मरीज जिसको ये ब्लड मिल रहा है उसको किसी भी प्रकार की ब्लड डोनेशन से कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए। और एक चीज़ और भी है, बहुत सारी संस्थाएं हैं, अभी जैसे आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने आपके यहाँ एक कैंप आयोजित किया, कितने यूनिट ब्लड डोनेट किए, और बाकी अगर कोई संस्थान इस तरह का आयोजन करती है समय समय पर अपने स्थापना दिवस और बाकी जगहों पर कार्यक्रम किए जाते हैं, तो वो आपसे संपर्क करके कैसे इस तरह का आयोजन कर सकते हैं? बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि संस्था ही नहीं अपितु जितने भी लोग हैं अपने जन्म दिवस के दिन, ये एक तरह से बहुत बड़ा दान है। आप मंदिर मस्जिद में जाके आप जो पूजा अर्चना कर रहे हैं उससे ज़्यादा आपको लाभ होगा, आप डायरेक्ट किसी आदमी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो हर संस्था को एक ये अवेयरनेस फैलाना चाहिए कि उसके स्थापना दिवस पे वो जितने भी उसके एम्प्लॉई हैं वो एक बार ब्लड डोनेशन करें, क्योंकि पढ़े लिखे लोग अगर इसमें सामने आएंगे तभी जो हमारे दूर देहात गांव के जो अनपढ़ लोग हैं या जो इतनी जिसके अंदर इतनी शिक्षा नहीं है कि वो ब्लड डोनेशन के क्या नुकसान है वो समझ पाएँ या क्या फ़ायदे हैं वो समझ पाएँ, तो तभी वो लोग अवेयर हो पाएंगे। तो अगर इस तरह का, जैसे आज SBI ने लगाया, अगर इस तरह का ब्लड डोनेशन कैंप होता है तो आम जनमानस में एक बहुत अच्छा
संदेश जाएगा। साथ ही के साथ जो रक्त की कमी है, पूरे इंडिया में रक्त की बहुत बड़ी कमी है, उस कमी को पूरा किया जा सकता है। कई बार होता है कि रक्त की कमी के वजह से प्रेगनेंसी के दौरान एक PPH होता है, पोस्टपार्टम हेमरेज, प्रेगनेंसी के दौरान खून की कमी के वजह से जो महिला होती है वो अपने जान से हाथ गंवा बैठती है, या ट्रॉमा, जो इमरजेंसी ट्रॉमा, आपका ही कोई जान पहचान का, या कभी रोड एक्सीडेंट में कभी रोड एक्सीडेंट होता है, उसको एकदम से ब्लड डोनेशन की, एकदम से खून की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर ये ब्लड डोनेशन पहले से हुआ रहेगा, ऐसे कैंप लगते रहेंगे, तभी ब्लड बैंक जो है वो खून देने में, विदाउट डोनर खून देने में सक्षम होगा। तो अगर ऐसे कैंप लगते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, और आगे ऐसे संस्थाओं को आगे आना चाहिए ब्लड डोनेशन कैंप के लिए। माध्यम क्या है, जैसे मान लीजिए आपसे संपर्क कैसे करें, यहाँ आके करना पड़ेगा कि आप लोग कहीं जाके भी कैंप? देखिए, हमारा मोबाइल नंबर है, हमारे वेबसाइट है, हमारे मोबाइल नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि हमें ऐसे ब्लड डोनेट करना है, और बाकी हमारे कभी भी आएंगे 24/7 हमारा ब्लड बैंक खुला रहता है, तो कभी भी आइए, आपका बहुत वेलकम है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ब्लड डोनेशन का प्रोसेस पूरी तरह से पेनलेस और बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। और एक चीज़ और भी है कि लोगों के अंदर और सारी भ्रांतियाँ हैं, कुछ लोग कहते हैं नॉर्मल शरीर को देख के कि हाँ खून की कमी हो गई है, ऐसा है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं खान पान में, कौन सी चीज़ें हैं जो आपके ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड को बेहतर बनाकर रखती हैं? देखिए ब्लड बनाने के लिए कुछ विटामिन्स और कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है। तो आयरन, ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन जो होता है उसमें आयरन मुख्य रूप से है, आयरन, विटामिन B12 और फॉलिक, और ये जो है वो हमें हरी साग सब्जियों में और गुड़ में, तो ये इन सारी चीज़ों में आयरन भरपूर मात्रा में होता है। तो अगर ऐसा हम लोग हरी साग सब्जी और विटामिन B12 की बात करें तो वो जनरली जितने भी नॉन वेजिटेरियन डाइट हैं उसमें होता है, पर वो भी अगर वेजिटेरियन, स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है तो दूध में और पनीर में, ऐसे चीज़ों से विटामिन B12 लिया सकता है। तो ये सारा अगर खान पान रहेगा, दिनचर्या अच्छी रहेगी, आप डेली व्यायाम करेंगे तो आपका रक्त जो है वो बनता रहेगा और कभी भी खून की कमी नहीं होगी। चलिए, आपने इतनी अच्छी जानकारी शेयर की और हमसे बात किया, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद। तो आप, जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि आप अपने जन्मदिवस के अवसर पर, अपने वर्षगांठ के अवसर पर, अपने हर शुभ अवसर पर इस तरह के रक्तदान को कर सकते हैं। रक्तदान महादान कहा भी जाता है, और सबके लिए भी, अपने साथ साथ अपने अगल बगल के लोगों का जीवन बचा सकते हैं। तो इस तरह के ढेर सारे सिस्टम के लिए अगर आपको रक्तदान करना है, आप अपने कॉलेज, स्कूल या फिर किसी भी संस्थान के माध्यम से रक्तदान शिविर का आयोजन करना चाहते हैं, तो आप KMC डिजिटल हॉस्पिटल भरिंदा रोड महाराजगंज में संपर्क कर सकते हैं, और भी ढेर सारे इनके संपर्क के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, ताकि इस ब्लड बैंक को सुचारू रूप से चलाया जा सके। आप इस पूरे प्रकरण के बारे में, पूरे परिचर्चा के बारे में अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुँचाएँ, और कभी भी किसी भी तरह की कोई समस्या इससे जुड़ी हुई हो तो आप अपने अलग अलग माध्यमों से हमसे जान सकते हैं। जनमंच खबर और हिंद मोर्चा के ज्वाइंट एडवेंचर को देखने के लिए आपका धन्यवाद।